ये जो है खुनेजी और बरही किस्म का खेजूर का वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको सिखाएंगे। मान लीजिए फ्लावर नहीं है, फूल आना चालू नहीं हुआ है, तो आपको समझेंगे कैसे। ये जो पत्तियाँ है अगर आप देखेंगे तो लगभग एक हाथ से भी ज़्यादा है, एक फीट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको पत्तियाँ को देख के भी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा मेल पौधा है और कौन सा फीमेल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल को देखने के लिए आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कौन सा है, फूल से, फ्लावर से। मान लीजिए वो नहीं आया है तो कैसे समझेंगे। ये जो पत्तियाँ है बहुत ही इजी है समझना। तो हम लोग ये देखिए, ये जैसे है ये साकार निकलना स्टार्ट हो गया, ऑफशूट कह सकते हैं आप, ठीक ना। तो इसका तो फिलहाल अभी फ्रूट नहीं है, तोड़ लिया गया है। अभी फिलहाल अक्टूबर महीना चल रहा है, तो जैसा हमने बोले है फूल नहीं है यहाँ पर, फ्रूट भी नहीं है, तो कैसे समझेंगे जो प्लांट आपको मिलता है वो मेल है या फीमेल है। वैरायटी जो है अलग बाद में सिखाएंगे। तो ये जो पत्तियाँ है, पत्तियाँ को पकड़ के अगर आप ऐसे करके देखते हैं, सॉफ्ट है तो फीमेल है, अगर सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो मेल है। ये दुनिया में कोई ट्रेनर आपको सिखाएगा नहीं। कौन सिखाता है? मोहम्मद रफ़ीक सिखाता है, सामीन एग्रोमेरीन का जो ट्रेनर हूँ मैं। हम सिखाएंगे आपको बहुत कुछ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नर्सरी आपको पौधे वगैरह सप्लाई करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सामीन एग्रोमेरीन के जैसा कोई नहीं है। ये जो प्लांट है ये 10 साल से ज़्यादा एज का प्लांट है, ठीक है। ये मेल प्लांट है। तो यहाँ से जो शकर निकल का आया है, ऑफशूट निकल का आया है, जाहिर सी बात है ऑफशूट ही होगा। तो आप देखेंगे ये वाला पत्तियाँ जो है हार्ड है, जब आप टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला ऑफशूट यहाँ पर कैमरे को लेके आइए। तो यह ऐसे ऑफशूट हम लोग निकल के देते हैं, जो देंगे जो फीमेल वाला है वो आपको मैक्सिमम 4 साल के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह में हो जाएगा। जैसे कि ये प्लांट जो है गुजरात की सूरत में है, तो गुजरात हो गया, वेस्ट इंडिया में जितना सारे मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान बाई डिफ़ॉल्ट होता है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, किसी भी जगह में आप कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, त्रिपुरा, हम लोग का पश्चिम बंगाल में, आप किसी भी जगह में इसका खेती कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे, मैं वीडियो में था नहीं, तो बहुत सारे बंदे बोले वीडियो में थी मेरे, आपने मुझे देख लिया। मैं धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। जैसे ऑफ शूट प्लांट है तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा ऑफ शूट प्लांट है, टिशू कल्चर का प्लांट है तो कैसे समझ में आएगा टिशू कल्चर का है, और ख़ास बात जो होता है मेल और फीमेल का। मान लीजिए हम लोग जो कहते हैं कम से कम 5 फीमेल पौधे के साथ एक मेल प्लांट का ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए वो फ्लावर जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ नहीं पाते जो नए नए फार्मर है, तो मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। मैंने एक ट्रिक आपको बोल दिया, एक इसके माध्यम से आप आसानी से 100% आपको मालूम पड़ जाएगा। जो आपको पौधा मिलेगा सिर्फ पत्तियों को देखना है, चाहे छोटा प्लांट हो या बड़े प्लांट हो, ऐसे करके देखना है, सॉफ्ट है तो फीमेल है, हार्ड है तो मेल है, ठीक है। तो सतर्क हो के रहिए। बहुत सारे नर्सरी है तो बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं बाहर से, कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पिछले मेरा जो एज है 27 ईयर का मैं हूँ, और मेरे यहाँ पर बॉर्न होने से पहले से इंडिया में हो रहा है, बहुत सारे खेती हो रहा है खजूर का, तो इंडिया में ही है, और हम लोग जो है इंडिया से ही आपको दे रहे हैं। कुछ कुछ प्लांट है जो बाहर से ला के देते हैं, तो घबराहट कोई चीज़ नहीं, इजीली हो सकता है। आगे जाकर और भी सिखाने वाले हैं, हम लोग के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेजेबल कुछ चीज़ है तो दूसरे बंदे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।